Hello everyone, how are you? Welcome to another video of your book. We are studying the Brain Root series and the name of our book is Grammar Glitter Odyssey of Class 6th. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपकी बुक से. देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है और हमारे चैप्टर का नाम क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे the name of our chapter is Chapter 2 Subject and Predicate. ठीक है, आप देख सकते हैं क्या नाम है हमारे चैप्टर का, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. लेट्स मूव फर्दर एंड सी हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. एवरी सेंटेंस टेल्स अस अबाउट समथिंग और समवन एंड अबाउट व्हाट दे डू. हमें हर सेंटेंस से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है. और आपको याद रखना है कि एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, देखते हैं अब. सबसे पहले हमारा है सब्जेक्ट. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ठीक है, अब सेंटेंस हमें पता है क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट कौन सा होता है पहले वो देखेंगे. सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में. ठीक है, जैसे आई एम टीचिंग, सो जो वर्ड आई है ना वो सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है. देखते हैं कैसे, द टाइगर लिव्स इन द जंगल, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में, टाइगर के बारे में. सो द टाइगर हमारा एक सब्जेक्ट होगा. द चिल्ड्रन स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं. तो द चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट होगा. जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है. बात समझ आती है, आगे देखते हैं. पहला हमारा टास्क क्या है कि हमको सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं इस ब्लैंक में. देखेंगे, ऐड अ सूटेबल सब्जेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. हमें क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट ऐड करना है. चलिए देखते हैं हम कर सकते हैं. फर्स्ट वन, डैश वर ऑल लिसनिंग टू द रेडियो. दे वर ऑल लिसनिंग टू द रेडियो. सो दे मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है. Dash walked to the library. I walked to the library. मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, तो वो क्या हुआ, I हमारा सब्जेक्ट हुआ. Dash leaped out the ocean. So the whale or you can say the dolphin. Okay. Dash floated in the sky. क्या हुआ इसका, the birds. हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. डैश बिगन टू रस्ट द लॉक. बिगन टू रस्ट. डैश नेवर फिट वेल. द वॉच नेवर फिट्स वेल. ओके, खेमे को वॉच कभी भी ढंग से फिट नहीं होती है. डैश हैड चॉप्ड अ लॉट ऑफ वुड इन द जंगल. द मैन हैड चॉप्ड. आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट समथिंग विच मेक्स सेंस, जिसका कोई मतलब हो. डैश कैन स्पीक इंग्लिश. द गर्ल कैन स्पीक इंग्लिश. ओके, दिस इज अ सब्जेक्ट. डैश स्टार्ट्स एट 10 AM. द स्कूल स्टार्ट्स एट 10 AM. डैश बार्क एट स्ट्रेंजर्स. द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स. ओके, आप द डॉग लिख सकते हो या फिर अपने सेंटेंस को और अच्छा बनाने के लिए आप लिख सकते हो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. ओके, सो इज दिस क्लियर. ऑल द रेड वंस आर योर सब्जेक्ट एंड ऑल द ब्लैक वंस आर योर प्रेडिकेट. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव, ऑल्दो द सब्जेक्ट इज यूजुअली एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस देयर आर सम एक्सेप्शंस. ठीक है, हमें पता चल चुका है इतने से कि सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो यूजुअली स्टार्टिंग में ही होते हैं सेंटेंस के, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता. एन ओल्ड वुमेन इज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक. इसमें तो हमारा एन ओल्ड वुमेन ही
क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बट सेकेंड सेंटेंस अगर हम पढ़े देखते हैं, एन ओल्ड वुमन स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द पार्क इज लुकिंग सैड। तो ये पूरा ब्लू वाला पार्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट। सो ये पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्ट होगा। देयर वर टू वुमेन एट द गेट, तो देयर वर टू वुमेन, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा क्योंकि हम पूरा लिखेंगे जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। What, where are the two old women? तो हम old women के बारे में बात कर रहे हैं। So, this will be the old women, the two old women. Next, in imperative sentences, the subject is you, but it is often unstated. ठीक है, अब जो हमारे imperative sentences होते हैं, आपको याद होगा हमने last chapter में पढ़ा था, imperative sentence होते हैं जो कोई command देते हैं, कुछ request करते हैं। तो जो भी इम्परेटिव सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे उसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, यू, पर हमेशा कभी भी वो लिखा नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोलूं यू सिट क्वाइटली, नहीं, मैं आपको बोलूंगी सिट क्वाइटली और एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी या फिर फुल स्टॉप लगाऊंगी। सो हमेशा इस ऐसे सेंटेंसेस के अंदर यू नहीं लिखा होता, अनस्टेटेड होता है। देखिए आप, कीप क्वाइट, तो इसका रियल सेंस क्या है, You keep quiet. Stand up. का रियल सेंस क्या है? You stand up. समझ आया? अब हम देखेंगे predicate क्या होता है. The part of the sentence which says something about the subject. ठीक है. वो part sentence का जो हमें subject के बारे में कुछ बताता है. Right? जैसे the children are studying. तो किसके बारे में बात हो रही है? The children. तो the children हमारा क्या हुआ? Subject. Are studying मतलब हमें उसके बारे में कुछ पता चला है. Right? So, our studying हमारा क्या होगा? Predicate. Okay? It may speak about the subject or an action of the subject. तो, predicate हमें क्या बताता है? जब हम subject के बारे में बात करते हैं और उसकी activity के बारे में बात करते हैं. For example, the children are studying. तो, children क्या कर रहे हैं? उनकी activity अभी वो क्या activity कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं. So, our studying will be your predicate. Perfect. The tiger lives in the jungle. ठीक है? तो टाइगर लिव्स इन द जंगल में, लिव्स इन द जंगल हमारा प्रेडिकेट होगा। क्यों? क्योंकि हमें टाइगर का एक्शन पता चल रहा है और टाइगर का जो एक्शन है वो क्या है, वो जंगल में रहता है, तो वो प्रेडिकेट होगा। द चिल्ड्रन स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, चिल्ड्रन के एक्शन हमें पता चल रहा है, सो प्रेडिकेट। ओके, एंड आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस के अंदर एक वर्ब जरूर होना चाहिए। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। ओके, यू ऑल कैन सी स्लेप्ट इज अ वर्ब, जो काम करते हैं हम वो वर्ब होता है बेसिकली। लिव्स इन द जंगल, लिव्स इज अ वर्ब। सो हमेशा प्रेडिकेट के अंदर कोई ना कोई वर्ब आएगा। ठीक है, अब बी एक्सरसाइज में हमको प्रेडिकेट्स ऐड करने हैं। ए एक्सरसाइज में हमने क्या ऐड किए थे? सब्जेक्ट्स। अब हम बी करेंगे, विच इज प्रेडिकेट। सौरभ गैंगलोए इज अ डॉक्टर, आप लिख सकते हो। तो हमें इसका वो पता चल गया है, इसका एक्शन पता चल गया है, सो दिस इज प्रेडिकेट। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ओके, थर्ड वन, द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज फेब्रुअरी। ओके, द लिटिल गर्ल इज स्लीपिंग। राइट, प्रेडिकेट। द बेबी इज क्राइंग, predicate. The woman is cooking. Right? The stars are shining. So, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम सारे predicates add कर रहे हैं. The gown is beautiful. हमें पता चल रहा है ना gown के बारे में? तो जो चीज subject के बारे में जो चीज हमें बताती है, वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, वो प्रेडिकेट होता है। द हॉर्सेस आर रनिंग, माय बेस्ट फ्रेंड इज वेरी गुड, या फिर माय बेस्ट फ्रेंड इज वेरी ब्यूटिफुल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर इट शुड बी सेंस। ओके, Now, C1. Underline the subject and predicate in the following sentences. हमें subject और predicate दोनों को underline करना है।
देखते हैं कैसे. द डॉग लव्स द चाइल्ड. तो किसके बारे में बात हो रही है? डॉग के बारे में. सो दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर प्रेडिकेट. सो मैं सब्जेक्ट को रेड से अंडरलाइन करूंगी और प्रेडिकेट को येलो से. ठीक है, लेट्स आगे देखते हैं. डू यू टेक मी फॉर एन इडियट, राइट? सो डू यू टेक मी हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा और फॉर एन इडियट हमारा क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड, प्रेडिकेट. वेयर डज द हेयर लिव इन द विंटर? ओके, सो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा? वेयर डज द हेयर. और लिव इन द विंटर हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट. वेरी गुड. द वेसल वॉज एन मैग्निफिशेंट 5 मास्टरपीस. ओके, सो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा? द वेसल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. और वो क्या है? वो उसका प्रेडिकेट होगा, वॉज अ मैग्निफिशेंट 5 मास्टरपीस. ठीक है. द गर्ल प्लेज पियानो वेरी वेल. सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गर्ल के बारे में. सो गर्ल सब्जेक्ट, प्लेज पियानो वेरी वेल विल बी योर प्रेडिकेट. क्लियर. 6th one, I bring fresh showers to the thirsty flowers. So this will be, I will be your subject and bring fresh showers to the thirsty flowers. आपका क्या होगा? Predicate. 7th, yesterday we played a football game. So yesterday we played a football game will be your predicate. Okay. 8th one, deep in the wave is a coral grove. So, deep in the wave will be your subject and in the coral grove will be your, is a coral grove will be your predicate. High upon the lonely mountain. High upon the lonely mountain. Can you all guess? Hum kya likhenge iske andar? Okay, so this one I will give you for your homework because I also want to know ki aapko kitna samaj aaya. Next, they expect to see the president. किसके बारे में बात हो रही है? प्रेसिडेंट के बारे में. सो दे विल बी योर सब्जेक्ट एंड दिस विल बी योर प्रेडिकेट. आई विल गिव यू 2 फॉर होमवर्क. ओके, नेक्स्ट, द हंटर कॉट द हेयर. द हंटर विल बी योर सब्जेक्ट एंड कॉट द हेयर विल बी योर प्रेडिकेट. सो नाउ दिस वन, 9th one एंड 12th one इज योर होमवर्क. लेट्स सी इफ यू कैन डू इट और नॉट. We will move ahead and see what we have further. Okay, that's it for this chapter. We are done with the second chapter also. I hope aapko ye chapter samajh aaya hoga. And I will meet you in the next video now. Till then, take care and goodbye.